कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, आज हम क्लास सेवेंथ का मैथ्स करेंगे बच्चों, और चैप्टर हमारा चल रहा है लाइंस एंड एंगल्स। तो इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों, जो लाइंस एंड एंगल्स में हमने अभी तक सीखे हैं वो है अलग अलग टाइप के एंगल्स कौन से होते हैं और क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये चीजें हमने सीखी हैं। अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे और एक्सरसाइज 5.2 आज हम करने वाले हैं। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो आपका चैप्टर है रेखा एवं कोण, रेखा एवं कोण चैप्टर है जो आप करेंगे यहाँ पे। इसके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस करने से पहले एक बारी हम रिवाइज करेंगे कि भाई जो क्वेश्चन जिस चीज पे होंगे, जिस चीज पे बेस्ड होंगे, क्या हमें वो चीज अच्छे से आ गई। कल हमने डिस्कस किया था वो, और हमने कुछ चीजें उसके बारे में डिस्कस की थी। जो चीज हम कर चुके हैं वो है ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो उसी के आधार पर क्वेश्चन आएंगे, देखते हैं कि आप कितना यहाँ पे ट्रांसवर्सल के बारे में सीख पाए हैं। क्या है ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस, ये है इंपॉर्टेंट आपके लिए, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। इससे पहले आपने क्या किया था, इससे पहले हमने यहाँ पे हमने ट्रांसवर्सल लाइन किया था, ठीक है। पहले तो नॉर्मल ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में हमने पढ़ा कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। एक लाइन जो इंटरसेक्ट करती है दो या उससे ज्यादा लाइन्स को अलग अलग पॉइंट्स पे, वो ट्रांसवर्सल होती है। पैरेलल ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस मतलब ये जो दो लाइन है ये आपस में पैरेलल हो जाएंगी, यही डिफरेंस रहता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन है जो वो अलग अलग एंगल्स बनाती है, एंगल्स बनते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनते हैं वो देख सकते हैं, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स, फिर उसके बाद इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल में देखिए कौन से एंगल आते हैं, हमने यहाँ पे सीखा था। इनको आप ध्यान से देखिए एक बारी। इसके बाद हमने क्या किया था, हमने किया था करस्पोंडिंग एंगल, संगत कोणों का युग्म जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद बच्चों, उसके बाद देखिए अल्टरनेट एंगल जिसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर आते हैं, फिर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑन द सेम साइड, ये चीजें हमने की थी। अब ये तो हमें ट्रांसवर्सल लाइन है वो क्या क्या एंगल्स बनाते हैं ये सीखा था। अब क्या है, अगर पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल हो तो क्या होता है, उसमें जो करस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अल्टरनेट एंगल्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स बराबर हो जाते हैं, करस्पोंडिंग एंगल्स भी बराबर हो जाते हैं, मतलब संगत कोणों का युग्म बराबर होता है, और जो ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं यानी एकांतर जो कोण होते हैं वो भी बराबर हो जाते हैं इस केस में। अब बच्चों, ये है आपकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो हमने यहाँ पे सीखी थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके आधार पे क्वेश्चंस करेंगे। एक बार इनको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब बच्चों, ये क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको जो गुणधर्म उपयोग किए गए हैं उनका आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। जैसे कि पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पॉइंट जो है फर्स्ट पार्ट में दिया गया है, यदि ए पैरेलल टू बी, ये दो लाइंस दिख रही हैं आपको, ये दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल एक बराबर है एंगल पांच। तो एंगल एक और एंगल पांच कौन से कोण हैं, ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि ये कौन से कोण हैं यहाँ पे। तो आपने बताइए कि अभी तक काफी सारे कोणों के बारे में पढ़ा है, तो इसमें से ये कौन से कोण होंगे। तो क्या ये करस्पोंडिंग एंगल्स लग रहे हैं आपको, जो फर्स्ट पार्ट है इसमें ये करस्पोंडिंग एंगल्स हैं, ठीक है। लेकिन और अगर पैरेलल होंगे तो प्रॉपर्टी अभी की थी, जो करस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं संगत कोणों का युग्म होता है वो बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, संगत कोण, संगत कोण
गुणधर्म। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई वो बतानी है, तो यहाँ पे संगत कोण गुणधर्म यानी करस्पोंडिंग एंगल्स, क्या हुआ करस्पोंडिंग एंगल्स। यहाँ पे करस्पोंडिंग एंगल्स यूज होते हैं। इसी तरह सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड पार्ट में क्या यूज हुआ, तो यदि एंगल 4 और एंगल 6 बराबर हैं, तो ए पैरेलल टू बी होना चाहिए। यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई एंगल 4 और एंगल 6 बराबर हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि एंगल देख के क्या आप पता लगा पा रहे हैं कि ये किस तरह के एंगल से, कौन से टाइप के एंगल हैं। यहाँ पे 4 और 6 अल्टरनेट एंगल्स हैं। कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। और अगर ए बी के पैरेलल है, समानांतर है, तो इन दोनों को 4 और 6 को आप इक्वल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए एंगल्स, आपको आइडेंटिफाई करने हैं किस प्रकार के एंगल्स हैं, तो ये बोल सकते हैं अंतः एकांतर कोण गुणधर्म, अंतर एकांतर कोण गुणधर्म आप बोल सकते हैं। यानी कि ये क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। कौन से हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यहां पे यूज हुई है। तो आप यहाँ पे जो जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो मेंशन करनी है बस। तीसरे में मुझे बताएं आपकी कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी, यदि एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 है, तो ए पैरेलल टू बी होना चाहिए। एंगल 4 और एंगल 5 को 180 के बराबर किया है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है। देखिए बच्चों, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ये थी, जब हमने पैरेलल लाइंस पे ट्रांसवर्सल किया था, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखाएं, तो एक अल्टरनेट एंगल्स जो बराबर होंगे, ठीक है, ये किया था, और करस्पोंडिंग एंगल बराबर होंगे। और एक चीज ये थी कि भाई यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ के अंतर कोण क्या होंगे, प्रत्येक युग्म का संपूरक होता है, क्या होता है संपूरक, आपको पता है कि 180 डिग्री होता है, क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी में आएगी, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल्स एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो एक ही एक साइड जो ट्रांसवर्सल के एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, ये चीज यहां पे प्रॉपर्टी यूज होगी। अब देखिए, तो ये क्या हुआ, जो हमारे पास लास्ट वाला आया है एंगल 4 और एंगल 5 का, अगर हम योग देखें तो ये क्या है, ये एक ही तरफ है और इंटीरियर अंदर की तरफ है, तो ये क्या होंगे, ये यहाँ पे कौन सा वो बनाएंगे, कौन सा पेयर बनाएंगे, ये सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स होगा। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण कोणों का प्रत्येक
युग्म संपूरक होता है तो ये प्रॉपर्टी यहां पे यूज होगी। तो इसके तीन पार्ट यहां पे इस तरह से आप इनको करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं यहां पे। नोट डाउन हो गए होंगे आपके। सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे अब। तो सेकंड में क्या है, आकृति आपको दी हुई है, इसमें क्या है, निम्नलिखित की पहचान आपको करनी है, संगत कोणों के युग्म कौन से हैं ये बताना है। फर्स्ट आपका सबने नोट डाउन कर लिया होगा। तो मुझे बताइए संगत कोणों के युग्म कौन से हो सकते हैं, यानी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एक और पांच एंगल, एक और एंगल कौन सा, पांच ये होंगे। दूसरा कौन सा होगा, एंगल दो और छह, एंगल दो एंगल सिक्स, और कौन से होंगे, चार और सात, तीन और आठ। ये एंगल्स होंगे। अब और क्या पूछा गया है, अंतः एकांतर कोणों के युग्म, ये बताइए अंत एकांतर कोणों के युग्म कौन से होंगे। ये बच्चों डायग्राम हम ये वाला रेफर करेंगे, यहां पे कौन सा करेंगे, ये वाला रेफर करेंगे। तो ये वाला डायग्राम रेफर करेंगे तो हमारे ये वाले एंगल्स क्या होंगे, ये चेंज हो जाएंगे। तो इस डायग्राम में देखें कि एक और जो पांच हैं ये हो गए, और दूसरा कौन सा है, दो और छह, दो और छह ये हो गए आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, फिर चार और आठ और तीन और सात होंगे, एंगल चार, एंगल आठ और एंगल तीन, एंगल सात ये होंगे। इसी तरह अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें, अंतः एकांतर कोणों के युग्म आपको बताने हैं, यानी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आपको बताने हैं। अल्टरनेट एंगल्स कौन से हो गए, अंदर वाले एक तो ये और एक ये, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, एंगल दो और एंगल आठ। इसी तरह दूसरा बताइए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एंगल तीन और पांच होगा, तो आप लिख सकते हैं एंगल थ्री एंड एंगल फाइव। इस तरह जो भी आपको यहां पे प्रॉपर्टी दी गई है वो आपको पेयर पता लगाने हैं और यहां पे लिखने हैं। अब तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों का युग्म आपको बताना है। तो दो और पांच हो गया एक, तो दूसरा कौन सा हो गया, एंगल तीन और एंगल आठ, एंगल आठ। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट हम यहां पे कर सकते हैं। तो क्या है यहां पे, उदरवाधर सम्मुख कोण आपको बताने हैं, कौन से होंगे, मतलब इसको आप बोल सकते हैं
शीर्षाभिमुख कोण आपके कौन से यहाँ पे होंगे, तो काफी सारे होंगे यहाँ पे, जैसे एंगल वन और एंगल थ्री, एक के सामने तीन है, चार के सामने आठ है, एंगल फोर चार के सामने दो है, इसी तरह आठ के सामने क्या है छह है, और एंगल पांच के सामने है एंगल सात, बस ये है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि कैसे आप इनको सॉल्व करेंगे, नोट डाउन कर लो इसको, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबने नोट डाउन कर लिया ये, कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक मैं आकृति बनाता हूं, फिगर यहाँ पे बनाएंगे पहले, दो लाइंस हैं, लाइन पी एंड क्यू, एक ट्रांसवर्सल है इनकी जो कि अलग अलग यहाँ पे कोण बना रही है, तो इसके जो कोण है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं, कौन से एंगल्स बनाए इसने, ये 125 डिग्री का, ये सारे एंगल्स इसने बनाए हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, ये एंगल्स हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक यहाँ पे कोण दिया हुआ है, बाकी एंगल्स आपको बताने हैं, बाकी कोण आप खुद बताएंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से है, संलग्न आकृति क्योंकि समांतर है, और यहां पे अज्ञात कोण जो है ज्ञात कीजिए, अज्ञात कोण बताने हैं आपको, तो अज्ञात कोण कौन से हैं ये आपको ज्ञात करने होंगे। तो कैसे आप बता सकते हैं, तो अगर यहां पे ये 125 है तो इसके बराबर कौन सा होगा, ये आपको सोचना है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं जो एंगल डी है आपका वो 125 डिग्री के बराबर होगा, क्या ये बात सही है, और सही है तो क्यों, कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई हो रही है, तो ये है बच्चों करस्पोंडिंग एंगल्स। क्या है ये, करस्पोंडिंग एंगल्स हैं, कौन से एंगल, ये वाला और ये दोनों करस्पोंडिंग एंगल्स हैं, तो ये 125 हो गए। अब अगर मैं बोलूं एंगल डी बी दोनों बराबर हैं, तो क्या ये सही है, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, क्यों भाई, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब एंगल बी कितना होगा, ये भी 125 डिग्री होगा। अब और कौन सा कर सकते हैं हम, अगर मैं बोलूं 125 प्लस ई, एंगल ई जो है ये 180 डिग्री के बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर हैं, कौन से हैं ये लीनियर पेयर हैं, तो एंगल ई कितना आ गया, एंगल ई 180 माइनस 125, और ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो देखिए काफी सारे कोण हमारे पास आ गए, ये 125 आ गया, ये भी 125 आ गया, और ये 55 डिग्री आ गया, और कौन सा बच गया, अब एंगल ई और एंगल ए बराबर होंगे ये दोनों, क्यों भाई, करस्पोंडिंग एंगल्स हैं,
आप बोल सकते हैं एंगल ई इक्वल टू एंगल ए करस्पोंडिंग एंगल्स, करस्पोंडिंग एंगल्स हैं ये। तो एंगल ए कितना आ गया, एंगल ई अगर 55 है तो एंगल ए भी 55 होगा, 55 होगा। और एंगल ए किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर होगा। फिर से चलते हैं हम डायग्राम पे, एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, ये तो 55 आ गया और ये भी 55 होना चाहिए, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इसीलिए एंगल सी जो है वो भी 55 डिग्री होगा। तो इस तरह से कोई भी आप एंगल्स निकाल सकते हैं अगर आपके पास कोई ट्रांसवर्सल लाइन है तो। तो बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है आप अच्छे से उनको समझ पाए होंगे। सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आराम से आप अपने आप कर सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।